गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंटेशन। जिससे पुराने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन ने बात की है कि एस्टिवेशन क्या होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद में अपन ने लास्ट में देखा भी था कि जो है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं। ओवरी इज कंटेनिंग ओव्यूल्स, बट ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनका एक अरेंजमेंट पाया जाता है, एंड दैट अरेंजमेंट इज नोन एज प्रेजेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है, वी कैन सी द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओके, द प्लेसेंटेशन इज ऑफ फाइव टाइप्स, पांच टाइप का होता है ये। नंबर वन इज मार्जिनल, नंबर सेकंड इज एक्साइल, नंबर थर्ड इज राइटल, नंबर फोर्थ इज प्रीसेंट्रल, एंड नंबर फिफ्थ इज बेसल। वन बाय वन विल टॉक अबाउट ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मार्जिनल प्लेसेंटेशन, कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर किस तरीके से जो है ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अरेंज होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड। मार्जिनल के अंदर क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो मार्जिन के ऊपर पाए जाते हैं। द ओवरी इन विच द ओव्यूल्स आर अरेंज एट द मार्जिन ऑफ द ओवरी, द अरेंजमेंट इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दैट इज फाउंड इन पी, जो आप इजीली किसके अंदर देख सकते हो, पी के अंदर। ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ओव्यूल्स जो है ओवरी के मार्जिन्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एंड एग्जाम्पल इज पी, वी कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन द पी। सेकेंड टाइप इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर, और वी कैन से ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स एक्सिस पे पाए जा रहे हैं, बट ओवरी कैसी है, मल्टीलोक्युलर। ओवरी कैसी है, मल्टीलोक्युलर। मल्टीलोक्युलर का मतलब क्या हो रहा है कि ओवरी के अंदर एक से ज्यादा कंपार्टमेंट्स पाए जा रहे हैं, एक से ज्यादा चैम्बर्स पाए जा रहे हैं। ऐसे जो है अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये बेसिकली मल्टीलोक्युलर ओवरी के अंदर देखने को मिलता है। मल्टीलोक्युलर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। सो वी कैन से इन द ईच लोक्यूल देयर आर टू ओव्यूल्स। हर एक लोक्यूल के अंदर कितने ओव्यूल्स हैं, दो ओव्यूल्स हैं। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्साइल प्लेसेंटेशन। थर्ड विल टॉक अबाउट पैराइटल प्लेसेंटेशन। व्हाट हैपेंस इन पैराइटल प्लेसेंटेशन, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर जो है ओव्यूल्स पेरिफेरल रीजन के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। इस पेरिफेरी के ऊपर ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं, पेरिफेरी के ऊपर अगर ओव्यूल्स पाए जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज पैराइटल प्लेसेंटेशन। दिस इज बेसिकली फाउंड इन mustard and anemone. Argemone. This is found in mustard and argemone. Okay. इसके बाद में बात करते हैं free central. देखो exile free central दोनों के अंदर ही ovules axis पे पाए जा रहे हैं, but exile के अंदर तो ovary कैसी है, multilocular, but exile के अंदर कैसी है, unilocular. इसके अंदर केवल एक ही चैम्बर पाया जा रहा है, देयर इज अ सिंगल लोक्यूल। इसके अंदर जो ओव्यूल फॉर्म हो रहे हैं वो सेंटर के अंदर या एक्सिस के ऊपर पाए जा रहे हैं, बट दिस इज यूनिलोक्युलर। सो दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट और दैट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इट्स एग्जाम्पल्स आर प्राइमरोज एंड डायंथस। ओके, इट्स एग्जाम्पल्स आर प्राइमरोज एंड डायंथस। इसके बाद में लास्ट ये अपन बात करते हैं, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा प्लेसेंटेशन जिसके अंदर फॉर्म्ड ओव्यूल्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ ओवरी। कहाँ पाए जा रहे हैं, ओवरी के बेस में पाए जा रहे हैं, नीचे आधार से चिपके हुए हैं। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेसल प्लेसेंटेशन, एंड दिस इज फाउंड इन मैरीगोल्ड। किस अंदर पाया जाता है, ये मैरीगोल्ड के अंदर पाया जाता है। सो फर्स्ट वाज मार्जिनल, सेकंड वाज एक्साइल, थर्ड वाज पेराइटल, फोर्थ इज प्रीसेंट्रल, एंड फिफ्थ इज
बेसल। एग्जाइल एग्जांपल्स क्या क्या हैं? चाइना रोज एंड टोमेटो। ओके, प्लेसेंटेशन होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी। इसके अंदर मार्जिन पे पाए जा रहे हैं, इसके अंदर एक्सिस पे बटलो ओवरीज मल्टीलोक्युलर, इसके अंदर पेरिफेरल रीजन के अंदर, इसके अंदर सेंटर के अंदर बट ओवरीज यूनिलोक्युलर, इसके अंदर बेस पर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।